क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी है जिसकी बारात में दुल्हा दुल्हन ही मौजूद ना हो? नहीं ना, मगर हरियाणा की एक जोड़ी ने इस चमत्कार को भी संभव कर दिखाया है। सोनीपत के अमित लाकड़ा और करनाल की आशु दोनों अमेरिका में रहते हैं और दोनों ने वहीं शादी की, मगर इधर इंडिया में दोनों के परिवारों के बीच हर वो रस्म हुई जो एक नॉर्मल शादी में होती है। सोनीपत में अमित लाकड़ा के सांदल खुर्द गांव से करनाल में आशु के घर बारात भी गई, नाच गाना भी हुआ। दोनों के परिजनों ने शादी में जमकर नोट भी उड़ाए और दुल्हा दुल्हन ने ऑनलाइन टीवी स्क्रीन के माध्यम से पूरी शादी को ज्वाइन किया। लड़की के घर वालों ने टीवी की स्क्रीन में देखकर ही लड़के को टीका लगाया और फिर इधर रस्में चलती गई और उधर दुल्हा दुल्हन ऑनलाइन टीवी स्क्रीन पर ही सारी रस्में निभाते गए और इस तरह बिना दुल्हा दुल्हन की मौजूदगी के ही डिजिटल माध्यम से ये शादी संपन्न हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमित और आशु दोनों ही अमेरिका में रहते हैं और अपनी अपनी कंपनी चलाते हैं। दोनों की मुलाकात हुई, फिर प्यार हुआ और अब दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं। डिजिटल माध्यम से हुई इस शादी पर दोनों परिवारों को भी कोई एतराज नहीं है और वो इस नई जोड़ी को लेकर बेहद खुश हैं। दूल्हे के भाई और माँ से जब हमारे संवाददाता पवन राठी ने बात की तो सुनिए उन्होंने इस डिजिटल शादी पर क्या प्रतिक्रिया दी। नाम है जी भाई आपका? अंकित भाई। अंकित जी, आपके भाई की शादी हुई, क्या नाम है, कैसे उनकी शादी हुई है? अमित नाम है भाई मेरे भाई का, और भाई यूएसए में रहता था और भाभी भी यूएसए में रहती थी, वहीं पे उनकी कंपनी थी, कंपनी के थ्रू किसी भी तरह को मुलाकात हुई थी और उनके अच्छे विचार मिल गए, इसलिए फिर हमने यहाँ पर बात करके और अपना रिश्ता पक्का कर दिया था। भाई यूएसए कब गए और कैसे उनकी आपकी भाभी? 2017 में गया था भाई यूएसए, 6 साल हो गए भाई ने यूएसए जाए। जो आपकी भाभी है वो कहाँ की रहने वाली है? करनाल की है भाई, सेक्टर 12 की। कब उनकी मुलाकात हुई, कैसे उनकी मुलाकात का भाई इतना ज़्यादा तो पता नहीं, पर हमने तो अभी पता चल गया था थोड़े दिन। क्या काम करते हैं आप, आपके भाई क्या काम करते हैं? कंपनी है भाई मेरे, खुद की कंपनी आपके भाई की। तो अब जैसे वो बाहर देश रह रही हैं दोनों, यूएसए में है, तो कैसे शादी की गई? शादी भाई हमारी हरियाणा रीति रिवाज के सारी पूरी की गई है, वहाँ भी और यहाँ भी। तो ऑनलाइन उनकी शादी कराई गई है? ऑनलाइन शादी कराई गई भाई, यहाँ पे हमने अपने मुरथल लीला ग्रैंड में हमने अपना वो बैंकेट बुक कर रखा था, वहीं पर टिका हुआ LCD पर 12 तारीख 12 फरवरी की सगाई थी हमारे, और 19 मार्च की हम बारात लेकर गए थे। किस जगह बारात लेकर गए थे? सेक्टर 12 गोल्डन मोमेंट में। जी, आपके भाई की शादी हुई है जी, कैसा घर में माहौल है, किस तरह से उनकी शादी हुई है? बड़ी खुशी का माहौल है जी, शादी ऑनलाइन हुई है। तो आपके ब्रदर कहाँ रहते हैं, कैसे उनकी शादी हुई? फिलहाल वो अमेरिका रहते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद 2014 में वो चले गए यहाँ से विदेश, तो वहाँ उन्होंने कहीं जॉब करी अलग अलग जगह पर, उसके बाद 2017 में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जहाँ पर उसकी गुड़िया से मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने दोनों आपस में बातचीत करके घर पर बताया, जिससे कि हमने आगे करनाल बात की तो दोनों में बात बन के और दोनों की शादी ऑनलाइन की गई। अभी तो आपकी भाभी जो रहने वाली है वो कहाँ से बिलोंग? बड़े भाई हैं मेरे से, छोटे भाई में उनका बड़ा भाई है। जो जिनसे शादी हुई है लड़की से, वो कहाँ की रहने वाली है? वो करनाल की रहने वाली है जी। करनाल की। तो किस तरह से उनकी ऑनलाइन शादी हुई है, परिवार में कैसा माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है जी, सारी ऑनलाइन शादी हुई है, स्क्रीन पर ही टिका हुआ है, सगाई भी ऑनलाइन हुई, बारात भी जैसे गई तो ऑनलाइन ही उन्होंने वहाँ पर अपना रीति रिवाज से जो भी है रस्में वो पूरी।